वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह जी। अज मैं बैठा हुआ सीगा तो मेरा थोड़ा जिहा समान मैं ऑर्डर किया सी एमेजोन तो, बहुत जरूरी है समान सीगा क्योंकि असं ट्रैवल बहुत करते हैं, तो ट्रैवलिंग के दौरान अक्सर टायर पेंचर होंदा रहिंदा साडा, कई बार रोड माड़ी होंदी है या किस तरह भी है टायर पेंचर तो होंदे रहिंदे क्योंकि आप जिनी ट्रैवलिंग करांगे ये दिक्कत का सानू सामना हर बार करना पैंदा सी। कई बार लेट नाइट भी टायर पेंचर हो जाना, उस टाइम स्टपनी चेंज करनी या मकैनिक नहीं मिलता हैगा, तो बड़ी दिक्कत का सामना करना पैंदा। सो मैं सोचा कि आप क्यों ना टायर पंचर किट ही लिया के रख लीए, तो आप ही आप टायर जरा पेंचर क्योंकि अजक ईजी हैगा, तो बस किट चाहिए है तो तुम आप ही पेंचर लगा सकते हो क्योंकि ट्यूबलैस टायर है अजक। सो बड़ी लौड़ सी समान की, तो अज मैं ये समान मैं मिल गया हो, मैं ऑर्डर किया एमेजोन तो। एक आ जी किट, ये टायर पंचर रिपेयर किट है जी, ये मैं तुम दिखा दिना। तो एक है जी आह, ये हवा भरन वाली मशीन है जी, ये इन नाल ये इलैक्ट्रॉनिक हैगी है, जितों आप चार्ज करीदा फोन नू उस थान ते लगा के ते ए ऑन हो जाती है, तो हवा तुसी भर सकते हो टायर दे विच, बड़ी लोड सी इस चीज़ की। तो मैं तुहानू दिखाना इन केड़ा केड़ा समान है जी। सो आ किट है जी, मैं तुहानू दिखाना इहदे विच की हैगा। सब तो पहला जी आ ग्लव्स पए हुए है, उस तो बाद आ जिहड़े औजार हैगे ने, एक नाल मोरी कढ़नी होवे ते दूजे नाल आ जिहड़ा इस पेंचर नू लगाना होवे, आ जो भी हैगियां इह रबड़ दियां, ते इहदे नाल आपां पेंचर लगाना। ट्यूबलैस टायर दी गल कर रहा मैं क्योंकि अजकल मोस्टली चलते ट्यूबलैस टायर ही है। आ प्लास हैगा जी, और रबड़ सीमेंट है, नाइफ है, तो आ एक एक्सट्रा दिता हुआ इन्होंने जोड़ा ये नाल लगता। सो आल एक चौक हैगा, तो आ भी अगर लोड पै जाए एलकी ये भी पै सकती है, तो काफ़ी समान ये बहुत यूजफुल है। आ ढक्कन है जी जो हवा वाली जगह पर लगता जी, सो काफ़ी यूजफुल समान है जी। सो ये सारा इकट्ठा करके आप रखांगे। लो जी मशीन भी आ गई है जी, ये हवा भरन वाली है टायर दे विच, ये भी एमेजोन तो मंगाई है, तो वह किट भी मैं एमेजोन तो मंगाई सी, तो यह हैगी है जी मेरे ख्याल 2400 समथिंग दी है मशीन, तो जिहड़ी वो दूजी किट सी टायर पेंचर रिपेयर करने वाली वह हैगी सी ऑलमोस्ट 350-400 रुपए की एग्जैक्टली मैं याद। तो ये मशीन है जी, ये हवा भरती है, तुहानू मैं दसदा ये नाल आ ये होंदा जी, ये चार्जर इंदा चार्जर मतलब चार्ज नहीं होंदी, ये सिर्फ कनैक्शन होंदा है भी ये इलैक्ट्रिसिटी लियाउण वास्ते, जिहड़ा कि तुहाडी गड्डी दे विच इस तरह करके लग जाता है। तुसी वेखो वो जिथे आपां फोन चार्ज लगाईदा उस थान ते आपां लगा दिता। सो ये हुण आ गया होया जी, डिस्प्ले इहदी ऑन हो गई है। सो ये ते दो ऑप्शन दित्तियां होईयां, इधरले पासे इहदी लाइट हैगी है जी, जे आपां फ्लैश नूं उपर कर दें इस तरह तो आ रेड लाइट जग जाती है, ता जो सड़क के किनारे तो इदा खड़ा करके रख दौ या इदा लम्बे पा के रख दौ, ता जो पिछे जी आँदी जी गड्डी है उन्होंने पता लग जाएगा कि इतने गड्डी खड़ी है या पेंचर है या उत्थे काम चल रहा गड्डी का, तो अगला अवेयर हो जाएगा। तो इस लाइट में अगर तुम थले कर दें दे इस तरह, तो ये फुल जी फ्लैश ऑन हो जाती है लाइट। तो हूँ उपर वाला हैगा जी कंप्रैशर ऑन, कंप्रैशर की जी वायर हैगी हवा भरने वाली, तुम आखो आनू मिलता जरा डायरैक्ट टायर के लग जाता और टूटी तो उ लगा के आप कंप्रैशर इधरों ऑन कर देना। सो इस टूटी चो हवा आएगी, तो इसका टायर तुम फुल कर सकते हो, तो इतों मीटर का पता लग जाएगा भी तुम्हें किन्नी हवा भरानी है। सो सारी गल मतलब काफ़ी वधिया चीज़ है, एमेजोन बेसिक्स वाले की हैगी है, वेरी यूजफुल प्रोडक्ट हैगा जी ये। लो जी गड्डी दे टायर की बैलेंसिंग कराने लिए आए हैं, तो नाल अलाइनमेंट काफ़ी झूम रही थी गड्डी सड़क पर। हाँ जी बड़ा कैजुअल ब्लॉग, कैजुअल कैजुअल ब्लॉग
जो तो गड्डी 90-100 ते जांदी सी ते ना कंबन लग पैंदी सी ते मैं कहा चलो बैलेंसिंग करा लीए। गड्डी दी हेडलाइट, गड्डी दी बल्ब फ्यूज है, गड्डी दा बल्ब फ्यूज है ते गड्डी दा ब्लेड वाइपर ज्यादा ही टाइम फिंगर नूं गोए पे है ना। हुण 35 ग्राम सी सारा लाया तो 30 ग्राम पर। अच्छा इहदे च वध सीगा। चल साड़ी रानी गड्डी सीधी हो विंगी टेढ़ी हुई पई है, लत्तां बाहां मुड़ियां पईयां हुंदियां। मैं लत्तां मुड़ियां पईयां हुंदियां, इहनूं बैलेंस कराईए, अलाइनमेंट होण वाली है। सुनो जी गड्डी साड़ी ਤਿਆਰ ਬਾਰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਫਿਰ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਕਰਨ ਨੂੰ ਅਤੇ ਅੱਜ ਇਹਦੇ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਨਰਲ ਚੈੱਕਅਪ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਹੋਈ, ਇਹਦੀ ਬੈਲੈਂਸਿੰਗ ਹੋਈ, ਇਹਦੀ ਹੈੱਡਲਾਈਟ ਪੈਣ ਵਾਲੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਪੁਆਈ ਅਤੇ ਅਜੇ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਵਾਈਪਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਉਹਦਾ ਬਲੇਡ ਉਹ ਵੀ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਹੋਰ ਪੁਆਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆ ਗੱਡੀ ਜਦੋਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਕੰਮ ਨਿਕਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਖੈਰ छोटा जहा ब्लॉग सीगा, मैं क्या चलो तुम दिखा दीए तो जे किसी भी कारण यह ब्लॉग पसंद आया जरूर इनू लाइक करना, शेयर करना, चैनल सबसक्राइब कर देना जी। रौला बड़ा पै रहा पिछे। धन्यवाद। वाहेगुरू जी का खालसा, वाहेगुरू जी की फतेह।